Good morning students, this video is for EVS part 2 and in this video we will start new chapter, chapter number 3, Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. तो हम मराठा सरदास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 इस पर गिवन है. सो देखो स्टार्ट करते हैं. पीरियड ऑफ अनरेस्ट, अनरेस्ट का मीनिंग होता है अस्थिरता, ठीक है, अस्थिरता का समय. एज द सेंट्स प्रीच डिवोशन टू गॉड द ब्रेव मराठा सरदास स्टार्टेड अ ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी. मतलब संतों ने क्या किया था, संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया था, है ना, लोगों को संतों ने क्या बताया था कि किस तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से वीर मराठा सरदारों ने क्या किया, महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया. ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी मतलब साहस दिखाया, एंड शौर्य मतलब साहस दिखा के बहुत सारे ऐसे काम किए किन्होंने, मराठा सरदारों ने, ठीक है. तो इसका फिर से मीनिंग देख लो कि संतों ने क्या किया था, लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया था. डिवोशन टू गॉड कहा जाता है उसे. और उसके बाद ठीक उसी तरह से जो मराठा सरदार थे उन्होंने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया था. यहाँ पे देखो ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी इसका मतलब ही होता है शौर्य परंपरा. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, ठीक है. तो यह समय जो था वह ग्रेट अनरेस्ट का समय था, मतलब अस्थिरता का समय था. द टू सुल्तान्स द आदिलशाही ऑफ बीजापुर एंड द निजाम शाह ऑफ अहमदनगर वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर. तो हम लोगों ने देखा था कि जो दो सुल्तान थे, मतलब आदिल शाह कहाँ से थे, बीजापुर से थे, एंड निजाम शाह वो कहाँ से थे, अहमदनगर से थे. तो वो दोनों भी सरदार क्या करते रहते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे, है ना, एक दूसरे के साथ क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे. वॉर का मतलब ही क्या होता है, युद्ध, ठीक है. वो वॉर का मीनिंग क्या होता है, युद्ध. तो जो निजाम शाह थे एंड आदिल शाह थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते रहते थे. दे मेड यूज ऑफ आर्मीज ऑफ मराठा सरदार्स इन दिस वॉर. और उन्हें इस युद्ध में सेना की आवश्यकता होती थी और इसमें वो किसकी हेल्प लेते थे, मराठा सरदार्स की हेल्प लेते थे, ठीक है. तो ये जो आदिल शाह थे एंड निजाम शाह थे इनको हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था कि लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, जनता को नहीं देखते थे, खुद में ही झगड़ते रहते थे. मतलब खुद उनके दोनों के बीच में ही क्या होता रहता था, युद्ध होता रहता था. और इस युद्ध में जब भी युद्ध होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी युद्ध होता है तो किसकी जरूरत होती है, सेना की जरूरत होती है. और जब सेना की जरूरत पड़ती थी इनको, इन सुल्तान्स को, तो ये लोग क्या करते थे, जो मराठा सरदार है उनकी सहायता लेते थे. देन उसके बाद देखो सेकेंड पैराग्राफ. द ब्रेव मराठा सरदार्स, मतलब शूरवीर जो थे, ब्रेव मीन्स क्या, साहसी, शूरवीर मराठा सरदार्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. द मराठा स्वर बोथ ब्रेव एंड टफ, जो मराठास थे वो क्या थे, बहुत ब्रेव थे एंड टफ थे, मतलब बहुत ज्यादा साहसी थे. दे वेयर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स, जो भी उनके मास्टर्स रहते थे, मतलब जिनके लिए वो काम करते थे उनके उनके लिए क्या रहते थे, बहुत लॉयल रहते थे, मतलब क्या करते थे, बहुत ज्यादा उनके लिए ईमानदार रहते थे. एंड फियरलेस मतलब डरते नहीं थे. दे वेयर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट ऑन द बैटल फील्ड, मतलब युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना, ठीक है. तो वो उनके लिए क्या थी, बहुत ज्यादा गर्व की बात थी. जैसे जब भी वो युद्ध करने के लिए उतरते थे तो बड़े बड़े पराक्रम मीन्स अचीवमेंट जो थे वो दिखाते थे, ठीक है. बैटल फील्ड मतलब जहां पर हम युद्ध करने के लिए उतरते हैं. द ब्रेव मराठा सोल्जर विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड सॉर्ड एट द साइड वुड राइट इन द सरदार्स कैवलरी, ठीक है. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मराठा सोल्जर्स थे उनके एक हाथ में स्पीयर होता था, मीन्स भाला होता था, एंड एक साइड पर क्या होती थी, स्वॉर्ड होती थी, मीन्स तलवार होती थी. और वो क्या करते थे, घोड़े के ऊपर बैठकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे. कैवलरी का मीनिंग ही क्या होता है, घुड़सवार. तो इस तरह से जो मराठा सरदार थे वो हाथ में भाला और कमर में तलवार लटकाकर
साहसी मराठी जवान के घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे। ठीक है, ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मीज। जितने भी मराठा सरदार्स होते थे उनकी अपनी एक क्या होती थी, आर्मी होती थी, अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी, मतलब उनके पास उनकी खुद की सेना होती थी। ठीक है, इफ सच अ सरदार वेंट टू द सुल्तान विथ हिज आर्मी, द सुल्तान गेव हिम एम्प्लॉयमेंट, मेड हिम अ सरदार ऑफ हिज किंगडम एंड समटाइम्स कन्फर्ड अ जागीर अपॉन हिम। तो जो भी सेना रखने वाले मराठा सरदार थे, जब भी सुल्तान के पास जाते थे तो उसे जो सुल्तान है वो नौकरी पर रख लेते थे। ठीक है, और जो सुल्तान थे वो उन सरदारों को पद देते थे और कभी कभी तो पूरा जागीर ही दे देते थे। ठीक है, कॉन्फर्ट का मीनिंग ही क्या होता है, जागीर होता है। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने, जो भी मराठा सरदार अपनी सेना के साथ किसी सुल्तान के पास जाते थे तो उन्हें नौकरी पर रख लेते थे, और उसके बाद क्या होता था कि जो भी सुल्तान थे जो सरदारों को उनको मतलब जो मराठा सरदार थे उनको जो भी पद देते थे, है ना, कोई तो भी मतलब बड़ा पद देते थे, एक बड़ी क्या बोलते उपाधि देते थे, और जिनके कभी कभी तो वो उनको पूरी जागीर दे देते थे। देखो यहाँ पे कॉन्फर्ड और जागीर अपॉन हिम, इसका मतलब क्या होता है, उनको पूरी जागीर दे देना। द सरदार्स हु रिसीव सच अ जागीर कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ राजा। और जिन मराठा सरदारों को जागीर मिल जाती थी वो खुद को क्या समझते थे, राजा समझते थे। समझ में आया इस तरह यहाँ पे कि जो मराठा सरदार कैसे ब्रेव थे और किस तरह से वो अपना पराक्रम दिखाते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, देयर वेयर मैनी फेमस मराठा सरदार एट द कोर्ट ऑफ अहमदानगर एंड बीजापुर। तो जो अहमदानगर एंड बीजापुर में बहुत सारे फेमस मराठा सरदार थे। द मोर फेमस अमंग देम वेयर द जादव ऑफ सिंखेड और सिंखेड। तो उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो कौन थे, जाधव थे, कहा के सिंध खेड के, इसको अंडरलाइन करो। देन उसके बाद क्या थे, निम्बालकर थे, कहा के फल्टन के, घोरपड़े थे, कहा के मुधोल के। ठीक है, मोरेज ऑफ जावली, मोरेज थे, कहा के जावली के, एंड भोसले थे, कहा के वेरुल के। फिर से एक बार देखो, जाधव ऑफ सिंधखेड मतलब सिंधखेड से जाधव थे, फल्टन से निम्बालकर थे, मुधोर से क्या थे, घोरपड़े थे, एंड जावली से क्या थे, मोरे से, एंड वेरुल से भोसले थे। द सिंधखेड जाधव वर डिसेंडेंट्स ऑफ यादव ऑफ देवगिरी। तो जो सिंधखेड के जाधव थे वो देवगिरी के यादवों के क्या थे, वंशज थे। तो देखो डिसेंडेंट्स का मीनिंग होता है वंशज। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर, जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखूजी राव जाधव ऑफ सिंधखेड। तो जो शिवाजी महाराज की माता जी थी जीजाबाई, वो सिंधखेड के जो लखूजी जाधव थे उनकी क्या थी, बेटी थी। समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे कि जो जीजाबाई थी, कौन थी जीजाबाई, शिवाजी महाराज की मदर थी, माता जी थी। तो वो कौन थी, जो सिंधखेड के लखूजी जाधव थे उनकी बेटी थी। तो यहाँ तक कि आपको रीड करना है, क्या रीड करना है आप लोगों को आज, पीरियड ऑफ अनरेस्ट पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा, एंड दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा ब्रेव मराठा सरदार्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन आएगा मैच द पेयर का। ठीक है, तो आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है कि सिंधखेड के जाधव थे, फल्टन के निम्बालकर थे, ये सब आपको छोटे मतलब मैच द पेयर में है। ठीक है, वर्क बुक में भी आपके है, लिखा है ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। तो देखो ट्रेडिशन वैलोर का मतलब, ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, परंपरा, एंड वैलोर मींस होता है शौर्य, ग्रेट करेज। ठीक है, मतलब बिना डरे कुछ तो भी साहस भरा काम करके दिखाना, उसे बोलते हैं वैलोर, जिसे हम बोलते हैं शौर्य। ऑल दीज सरदार्स वेयर ब्रेव बट मैनी ऑफ देम वेयर सोन एनिमीज ऑफ वन अनादर। तो ऐसे बहुत सारे सरदार थे जो बहुत ज्यादा साहसी थे, ब्रेव थे, बट उनमें से ऐसे बहुत सारे सरदार थे जो एक दूसरे के एनिमी भी बन चुके थे। ठीक है, सोन एनिमीज मतलब उन्होंने कसम ही खा ली थी कि वो एक दूसरे के साथ युद्ध ही करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे। ठीक है, दे नेवर थॉट दैट दे शुड यूनाइट एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल। वो लोग कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि वो एक साथ रहेंगे, यूनाइट रहेंगे और अपने लोगों के लिए कुछ तो भी अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी भावना उनके मन में कभी भी नहीं आती थी।
सो ऑल देयर वेलर एंड ब्रेवरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. तो उनका जो भी साहस था, ब्रेवरी थी, वो हमेशा दूसरों के अंदर एक इंटरेस्ट डाल देती थी. इवन सो दे केप्ट अलाइव द वॉरलाइक स्पिरिट. वॉरलाइक मीन्स युद्ध वाली जो भावना है, ठीक है, स्पेशली अमंग द यंग. तो जो यंग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनके अंदर वो एक युद्ध वाली भावना को डाल देते थे. ठीक है, मतलब उनके अंदर एक युद्ध वाली भावना को जनरेट कर देते थे. Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. तो ऐसे बहुत सारे सरदार थे जिनके फैमिली में बहुत ब्रेव सोल्जर्स जो थे वो पैदा हुए थे, और उन्होंने इस ट्रेडिशन को क्या रखा था, बरकरार रखा था. Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprises. अगर हम करेज की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं, शौर्य की बात करते हैं, तो सबसे फेमस जो फैमिली थी वो थी भोसलेस फैमिली. कहाँ की थी? वेरुल की थी. ठीक है, तो उन्होंने क्या दिखाया था, बहुत ब्रेवरी वाला काम दिखाया था. एंटरप्राइजेस मतलब बहुत जोखिम भरा काम किया था और बहुत बहादुरी उसमें दिखाई थी. उसके बाद देखो द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर. ठीक है, घृष्णेश्वर इट वॉज अबाउट 400 years ago. अब ये 400 साल पहले की बात है. द टेम्पल ऑफ घृष्णेश्वर नियर द वेरुल केव्स वॉज फॉलिंग टू पीसेस. तो जो घृष्णेश्वर का मंदिर था, किसके पास था? वेरुल के पास था. वो गिर चुका था, मतलब उसके पीसेस पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे. द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक. और उनके जो वॉल थे उनके अंदर क्या हो गया था, क्रैक्स आ गए थे. ठीक है, द प्रीस्ट ऑल्सो हैड डिजर्टेड द टेम्पल. तो जो प्रीस्ट था, मतलब प्रीस्ट मीन्स क्या होता है, वहां का पुजारी भी, उसने भी मंदिर को छोड़ दिया था. Thus the temple which was built in honor of great god was totally neglected. जिस महान दैवत के लिए, मतलब जिस भगवान के लिए वो मंदिर बनाया गया था, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, वैनिश हो चुका था. मतलब पूरी तरह से उसकी बहुत बुरी कंडीशन आ गई थी. All the devotee who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. ठीक है, मतलब जितने भी भक्त वहां पे आते थे, डिवोटी वहां पे आते थे, वो उस टेम्पल को तो देखते थे, देख के मतलब ऐसी बात करते थे कि ये कैसी क्या कंडीशन हो गई, है ना. पर बाद में वहां से जाने के बाद उस टेम्पल को रिपेयर करने के बारे में ना ही सोचते थे और ना ही उसकी तरफ फिर से देखते थे. उसके बाद देखो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. तो एक शिव भक्त था, वो टेम्पल में रेगुलरली जाता था. ही वुड पुट फ्लावर्स एंड बेल ऑन द लिंगम एंड एक्सप्रेस हिज इनर मोस्ट थॉट टू द गॉड. तो वो क्या, जो शिव भक्त था वो रेगुलरली टेम्पल जाता था, मंदिर जाता था, और भगवान के चरणों में बेल चढ़ाता था और भगवान के साथ अपने मन की बातों को भी शेयर करता था. ही कैरिड आउट एक्सटेंसिव रिपेयर्स टू द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड इट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन. तो उसने उस मंदिर का काम फिर से करना स्टार्ट किया और बहुत एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा फास्टली उसने उस मंदिर को क्या किया, रिस्टोर किया, मतलब वापस से उसके ओरिजिनल कंडीशन में लाया. ही अल्सो मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल. उन्होंने ना केवल उस मंदिर को वापस से ओरिजिनल कंडीशन में लाया, बल्कि उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स भी किए. नाउ There were lights both inside and outside the temple. अब वहां पे उस टेम्पल के, उस मंदिर के अंदर भी लाइट्स थी एंड उस टेम्पल के बाहर भी लाइट्स थी. एंड द लॉस्ट ग्रैंडर ऑफ घृष्णेश्वर वॉज रिस्टोर्ड. जो भी घृष्णेश्वर का खोया हुआ वैभव था, ठीक है, ग्रैंडर मीन्स जैसे जैसे उसकी पहले चमक धमक थी, उस तरह की चमक धमक अब रिपेयरिंग के बाद वापस आ गई थी. ठीक है, हु वॉज दिस डिवोटी who did all this? तो वो कौन सा शिव भक्त था जिन्होंने ये सारी कामगिरी की थी? He was मालोजी राजे भोसले. तो उनका नाम क्या था? मालोजी राजे भोसले था. Now turn the page on page number 10. See the Bhosles of Verul. तो वेरुल के भोसले के बारे में देखते हैं.
मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुल वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा। तो जो मालोजी राजे भोसले थे, कहाँ के पाटिल थे, वेरुल के, वो बहुत बड़े भक्त थे शिवा के। तो हम लोगों ने पहले वाले पैराग्राफ में ही देखा था कि वो शिव के कितने बड़े भक्त थे, और उन्होंने घृष्णेश्वर के मंदिर का क्या किया था, रिपेयरिंग भी किया था, उसे फिर से रिस्टोर किया था। बाबाजी राजे हैड टू सन्स, जो बाबाजी राजे थे उनके दो सन्स थे, दो बेटे थे। मालोजी राजे वॉज द एल्डर, मालोजी राजे जो थे बड़े थे, एंड द विठोजी राजे द यंगर, और विठोजी राजे जो थे वो छोटे थे। बाबाजी राजे भोसले हैड द राइट्स ऑफ पाटिल इन द वेरुल विलेज। ठीक है, तो जो बाबाजी राजे थे उनको पाटिल का दर्जा दिया गया था वेरुल विलेज में। ठीक है, अब आगे देखो, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वर बोथ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग। तो जो मालोजी राजे थे एंड विठोजी राजे थे, वो दोनों भी क्या थे, ब्रेव थे, इंटरप्राइजिंग थे। दे हैड इन देयर सर्विस मैनी आर्म मराठा ट्रूप्स, ट्रूप्स का मीनिंग होता है सोल्जर्स। तो उनके उनके पास बहुत सारे आम मराठा सोल्जर्स थे, मतलब ये जो मालोजी राजे थे एंड विठोजी राजे थे उनके पास मराठा सोल्जर्स थे, जो कि क्या थे, वो भी उनकी तरह बहादुर और क्या थे, शूरवीर थे। ठीक है, इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट। तो ये इट वॉज द पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, तो ये जो समय था वो ग्रेट अनरेस्ट का समय था, अस्थिरता का समय था। द मुगल इम्पेरर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक्ड द किंगडम ऑफ निजामशाह। तो जो मुगल इम्पेरर थे कहां के, दिल्ली के, उन्होंने किन के ऊपर अटैक किया था, निजाम शाह के ऊपर अटैक किया था। ठीक है, उसके किंगडम के ऊपर अटैक किया था। दौलताबाद वॉज देन द कैपिटल ऑफ निजाम शाह। तो दौलताबाद जो थी वो कैपिटल बन गई थी निजाम शाह की। मलिक अंबर वॉज हिज वजीर और चीफ मिनिस्टर। जो मलिक अंबर था वो वजीर था, चीफ मिनिस्टर था किनका, निजाम शाह का। मलिक अंबर वॉज एबल एंड वाइस। तो जो मलिक अंबर था वो क्या था, बहुत ज्यादा एबल था का और वाइस था, मतलब बहुत ज्यादा शूरवीर था वो भी, एंड ब्रेव था। द टू केपेबल एंड ब्रेव ब्रदर्स फ्रॉम वेरुल सून कॉट हिज अटेंशन। तो जो मलिक अंबर था वो चीफ मिनिस्टर था किसका, निजाम शाह का। तो उन्होंने दो जो सन थे किनके, बाबाजी राजे भोसले के, कौन थे वो, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, तो उनको देखा था और उनके ब्रेवनेस को भी देखा था, मतलब उनके शूरता को भी देखा था। ऑन हिज रिकमेंडेशन द शाह कन्फर्ड ऑन द मालोजी राजे द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे पारगणस। ठीक है, तो जो मलिक अंबर था उनके कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पर जो निजाम शाह था, उन्होंने मालोजी राजे को जागीर दी थी कहा कि पुणे सुपे एंड पारगणस की। ठीक है, सो द भोसलेस बिकम रिच एंड पावरफुल। तो जो भोसलेस थे वो क्या बन गए थे, बहुत ज्यादा रिच एंड पावरफुल बन गए थे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पावर थी उनके पास और बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। ठीक है, मालोजी राजेज वाइफ वॉज उमाबाई। तो जो मालोजी राजे थे उनकी वाइफ कौन थी, उमाबाई थी। तो इसे भी अंडरलाइन करो, शी केम फ्रॉम द हाउस ऑफ द निम्बालकर्स ऑफ फल्टन। तो वो कहाँ की थी, वो फल्टन के निम्बालकर फैमिली से थी। दे हैड टू सन्स, उनके दो सन्स थे, कौन कौन से थे, शाहजी एंड शरीफ जी। तो क्या देखा कि मालोजी राजे की वाइफ कौन थी, उमाबाई थी, और वो कहां से थी, फल्टन से थी, निम्बालकर फैमिली से। एंड उनके दो बेटे भी थे, कौन कौन से थे, शाहजी एंड शरीफ जी। मालोजी राजे वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ इंदापुर। तो बैटल मीन्स क्या होता है, युद्ध। तो जो इंदापुर का युद्ध हुआ था उसमें मालोजी राजे जो थे वो मारे गए थे। एट दैट टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years old। तो जो शाहजी एंड शरीफ जी थे वो किनके बेटे थे, वो मालोजी एंड उमाबाई के बेटे थे। ठीक है, तो जब मालोजी राजे मारे गए थे युद्ध में, तब शाहजी राजे कितने साल के थे, बस 5 years old थे। देन विठोजी राजे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जागीर। तो उनके डेथ के बाद, मतलब उनके मारे जाने के बाद, विठोजी जो विठोजी राजे थे, कौन थे विठोजी राजे, उनके छोटे भाई मालोजी राजे के, तो उन्होंने उनके बच्चों को देखा और उनकी जागीर को भी देखा। सो देखो, लेटर ही आस्क इन मैरिज फॉर शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखुजीराव जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। किन्होंने, विठोजी राजे, इन्होंने, जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजीराव। जो जीजाबाई थी वो कौन थी, डॉटर थी, मतलब बेटी थी किनकी, लखुजीराव की। वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड। तो वो क्या थी, बहुत ज्यादा गुणकारी थी, है ना, गुणकारी मतलब सर्वगुण संपन्न थी। लखुजीराव एक्सेप्टेड विठोजी राजेस प्रपोजल। तो जो लखुजी राव थे उन्होंने विठोजी राजे का प्रपोजल क्या किया, एक्सेप्ट किया। देन उसके बाद क्या हुआ, देखो,
लखुजीराव वॉज अ ब्रेव एंड वैलियंट सरदार इन द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। ठीक है, तो जो लखुजीराव थे वो बहुत ज्यादा बहादुर और पराक्रमी सरदार थे। कहाँ पर? निजाम शाह में। ठीक है, ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन। उनके पास बहुत ज्यादा आर्मी थी, बहुत सारे सैन्य थे, उनके खुद के बहुत सारे सैन्य थे। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। तो कोर्ट ऑफ निजाम शाह मतलब निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। ठीक है, उसके बाद देखो, ही सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ शाहजी राजे एंड जीजाबाई विथ ग्रेट पॉम्प। तो उन्होंने जो शाहजी राजे थे, शाहजी राजे कौन थे फिर से आपको बता रही हूँ, ये मालोजी राजे के बेटे थे। ठीक है, तो शाहजी राजे एंड जीजाबाई की जो वेडिंग थी, शादी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। और ये पॉम्प वर्ड भी रिपीट हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसका मीनिंग होता है ठाट बाट। जीजाबाई बिकम द फॉर्चून ऑफ द भोसलेज फैमिली। तो जो जीजाबाई थी वो भोसलेज फैमिली की क्या बन गई थी, बिकेम मतलब वो भोसले फैमिली की क्या थी, फॉर्चून थी, मतलब लक्ष्मी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शाहजी राजे। निजाम शाह ट्रांसफर टू शाहजी राजे द जागीर ही हैड कन्फर्ड ऑन मालोजी राजे। तो जो निजाम शाह ने क्या किया, मालोजी राजे की जागीर को शाहजी राजे को दे दी। जो निजाम शाह थे उन्होंने जो मालोजी राजे की जागीर थी उसको किसको दी, शाहजी राजे को दी। देन उसके बाद देखो, शाहजी राजे वॉज अ ब्रेव एंड कैपेबल मैन हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एट द कोर्ट ऑफ निजाम शाह। ठीक है, जो शाहजी राजे थे वो बहुत ज्यादा ब्रेव थे, कैपेबल मैन थे, मतलब बहुत ज्यादा बहादुर थे, शूरवीर थे। और उनकी जो निजाम शाह का दरबार था, ठीक है, कोर्ट ऑफ निजाम शाह मीन दरबार। ठीक है, तो जो निजाम शाह का दरबार था उसमें उनको बहुत ज्यादा आदर दिया जाता था। किनको? शाहजी राजे को। उसके बाद आगे देखो, द मुगल एम्परर डिसाइडेड टू कॉन्कर द किंगडम ऑफ निजाम शाह। ठीक है, तो कॉन्कर का मीनिंग होता है जीतना। तो मुगल एम्परर ने क्या किया था, डिसाइड किया था, किसे जीतने का डिसाइड किया था, जो किंगडम था निजाम शाह का उसे। ठीक है, फॉर दिस ही मेड एन अलायंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो उसे जीतने के लिए, निजाम शाही को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया था, अलायंस बना था, मतलब समझौता किया था। किसके साथ समझौता किया था? आदिल शाह, और वो कहा के थे बीजापुर के। तो इनके साथ क्या किया था, अलायंस फॉर्म किया था, मतलब इनके साथ समझौता किया था। मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। तो जो मलिक अंबर थे और शाहजी राजे थे, तो जो मलिक अंबर थे वो कौन थे, वो निजाम शाही के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो मलिक अंबर एंड शाहजी राजे ने बहुत ब्रेवली मतलब बहुत साहस से क्या किया, निजाम शाही को बचाने की कोशिश की। ठीक है, दे डिफीटेड बोथ आर्मीज। तो उन्होंने दोनों आर्मी को, दोनों तरफ की सैन्य को क्या कर दिया, हरा दिया। डिफीटेड मतलब हराना। दिस बैटल टूक प्लेस एट भातवाड़ी नियर अहमदनगर। और ये जो बैटल था, बैटल मीन्स क्या, युद्ध, तो ये कहाँ पे हुआ था, भातवाड़ी में हुआ था। और ये भातवाड़ी कहाँ पर है, अहमदनगर में। ठीक है, शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल। जो शरीफ जी थे वो मारे गए थे इस युद्ध में। शाहजी राजे डिस्प्लेस ग्रेट वैलर। तो जो शाहजी राजे थे उन्होंने अपना बहुत अच्छा शौर्य दिखाया था। ठीक है, ही वॉज प्रेस्ड एवरीवेयर एज अ ब्रेव जनरल। और उनकी हर तरफ क्या होने लगी, प्रशंसा होने लगी। His reputation in the court was so enhanced that even Malik Amber began to feel jealous of him. तो उनकी reputation जो थी दरबार में निजाम शाह के, वो और ज्यादा बढ़ गई। और उसके वजह से कौन थे, जो मलिक अंबर थे, वो jealous feel करने लगे। ठीक है, This gradually led to antagonism between them. तो उनके बीच का जो नफरत थी, किनके बीच की, मलिक अंबर और शाहजी राजे, इनके बीच की नफरत जो थी वो और ज्यादा बढ़ती गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मलिक अंबर थे वो जेलस होने लगे थे किसके सक्सेस से, किसके प्रशंसा से, शाहजी राजे के। क्योंकि जो निजाम शाह का कोर्ट था उसमें शाहजी राजे की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मलिक अंबर बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे। और इसी कारण उनके उनके मन में बहुत ज्यादा जो नफरत थी वो पैदा हो गई थी। ठीक है, एंटागोनिज्म मीन्स क्या होता है, द फीलिंग ऑफ हेट, मतलब नफरत पैदा होना। एज अ रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निजाम शाही एंड ज्वाइन द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर। तो इसी वजह से जो शाहजी राजे थे उन्होंने निजाम शाही का जो दरबार था वो छोड़ दिया था और आदिल शाही के दरबार को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, कोर्ट का मीनिंग ही होता है दरबार, यहाँ पे राइट डाउन कर लो दरबार। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सार लक्षर चीफ ऑफ आर्मी। तो उन्होंने, आदिल शाह ने उनका क्या किया,
मतलब उनका वहां पे वेलकम किया और उनको एक टाइटल दिया चीफ ऑफ आर्मी, जिसे बोलते हैं सार लश्कर, ठीक है। देन लेटर देयर वेयर मैनी डेवलपमेंट्स इन निजामशाही, देन उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने लगे निजामशाही में। द वजीर मलिक अंबर डाइट, देन उसके बाद जो वजीर मलिक थे, कौन थे वो, चीफ मिनिस्टर थे निजामशाही के, तो वो मर गए। ही स्कीमिंग सन फतेह खान बिकम द वजीर ऑफ निजामशाही, तो जो स्कीमिंग सन मतलब मलिक अंबर का जो षड्यंत्री बेटा था, धूर्त बेटा था, क्या नाम था उसका, फतेह खान, वो वजीर बन गया था निजामशाही का। ड्यूरिंग हिज पीरियड द निजामशाही बिगेन टू डिक्लाइन, और जैसे ही जो फतेह खान था वो निजामशाही का वजीर बन गया, ठीक उसी टाइम से जो निजामशाही थी उसका पतन होने लगा। डिक्लाइन मीन्स क्या होना, पतन होना मतलब बर्बाद हो जाना, तो निजामशाही थी पूरी तरह से खत्म होने लगी, उसका पतन होने लगा। एट अबाउट द सेम टाइम देयर वॉज अ थ्रेट ऑफ मुगल अग्रेशन, ठीक है, तो मुगलों के आक्रमण का भय भी उत्पन्न हुआ था उस टाइम पर। थ्रेट मतलब क्या होता है, भय, तो जो मुगलों का आक्रमण था, ठीक है, उसका भय भी उत्पन्न होने लगा उसी टाइम पे। किस टाइम पे, जिस टाइम पे निजामशाही का क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लगा। सो निजाम शाह मदर्स अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निजामशाही एंड सेव इट, तो जो निजाम शाह के जो मम्मी थी, मदर थी, उन्होंने शाहजी राजे को रिक्वेस्ट की कि वो वापस आ जाए और निजामशाही को फिर से बचा ले। देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिलशाही एंड रिटर्न टू निजामशाही, तो इसीलिए जो शाहजी राजे थे उन्होंने आदिल शाह का जो दरबार था उसे छोड़ दिया और वो वापस निजामशाही में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन ओवर होता है।